गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। निशा माई क्यूट हैबिट का आज फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना है कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग आपको कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बंद गोभी ली है। ये बंद गोभी थोड़ी सी गंदी है तो मैंने इसको साफ़ करने के लिए एक बाउल में फ्रेश पानी लिया है। अब मैं इसको जो भी इसके गंदे पार्ट हैं वो मैं इसे निकाल दूँगी। सेकंड टिप्स, मैं इसको कट करूँगी। मैंने इसको गोल कट इसलिए किया है क्योंकि इसकी सारी जो लेयर है वो आराम से निकल। ये लच्छे की तरह सारी सेकंड टिप्स में सेम ऐसे ही कट करूँगी। सबको मैं निकाल लूँगी। मैंने अब मैं एक नए बाउल में मैंने पानी लिया है और ये सारी लेयर में उस पानी में डालूँगी। अब मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी क्योंकि जो भी लेयर में अंदर गंदगी होगी वो सब आराम से निकल जाएगी। गोभी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है और पालक में भी सेम वैसे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसे एक दूसरे बाउल में निकालूंगी। मैंने यहाँ पे एक खाली बाउल लिया है और अब जो मैंने दूसरे वाले बाउल में जो गोभी मैंने धोई थी वो अब मैं नए बाउल में रखूंगी। ज़्यादा पानी नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब वो खाएंगे तो ऑलरेडी इसमें पानी होता है, वाटर क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है। मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े को बिछाने के बाद मैंने जो भी यहाँ गोभी कटिंग की थी, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा कपड़े में हम सुखा लेंगे। दोबारा बाउल में निकालेंगे। मेरे रैबिट सुबह के नाश्ते के लिए तैयार हैं और अब मैं इनको वो कैबेज जो मैंने कटिंग की थी, जो मैंने वॉश की थी, वो फ्रेश कैबेज अब मेरे रैबिट खाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर मैंने अपने ब्लॉग में कुछ पॉइंट मिस किए हैं तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में वो पॉइंट ज़रूर बताएँ ताकि मैं आने वाले ब्लॉग में वो सारी चीज़ें ऐड कर सकूँ। अगर आप सभी को निशा माई क्यूट रैबिट का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। जय हिंद।